हमारे चैनल कृषि ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हमने बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में पूरी जानकारी दी है कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, कैसे इसमें एडमिशन होगा, कैसे इसकी फीस है, कैसे इसका कोर्स होगा। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, अभी कोरोना का डर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो अभी सभी एग्रीकल्चर कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज बंद है। तो दोस्तों, ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। तो आज हम इसी विषय पर दोस्तों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे भी आने वाले एग्रीकल्चर स्टडी में हेल्प करने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि दोस्तों इन दिनों कोरोना के कारण बहुत छुट्टियाँ हो गई है आपके, और इसी कारण आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आएंगी। लेकिन दोस्तों, आज हम बताएंगे इन छुट्टियों का सदुपयोग आप सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में कैसे करें, किस तरह से आप इन छुट्टियों को इस्तेमाल अपने प्रैक्टिकल वगैरह या स्टडी में कैसे कर सकें। तो फ्रेंड्स, यह मौसम हमें पता है कि रेनी सीजन है, यानी वर्षा ऋतु का मौसम है। इस कारण इस ऋतु में सभी खरीफ की फसलें लहरा रही हैं, और आप सभी भी अपने घर पर छुट्टियां मना रहे हैं। तो दोस्तों, इन छुट्टियों का उपयोग आप इन सभी खरीफ की फसलों जैसे मक्का, ज्वार, कपास, उड़द, चावल, मूंग, मूंगफली, गन्ना, बाजरा, लाल मिर्च, इन सभी पर प्रैक्टिकल करके कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि किताबों से पढ़ने के बजाय जो काम हम प्रैक्टिकली करते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है और ज़्यादा बेटर रहता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इन पर कौन कौन से प्रैक्टिकल करें। तो दोस्तों, आप इन पर फसलों पर बहुत सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इनके आप इन फसलों के लिए कैसी मिट्टी चाहिए जिनमें वो बीज अंकुरित जल्दी हो, कैसी वायु चाहिए जो इनके लिए अनुकूलित हो, कि इनके बीज कैसे बोए गए हैं, कैसे इनका अंकुरण हुआ है, कितने दिनों में हुआ है, इनके बीज इपीजियल है या हाइपोजियल है। इपीजियल का मतलब जिनके बीज अंकुरण के साथ भूमि के ऊपर आ जाते हैं, और जिनके बीज और भूमि के अंदर ही रहते हैं वो हाइपोजियल कहलाते हैं। कौन कौन से खरपतवार इनके साथ अंकुरित होते हैं, कैसे उनका नियंत्रण करें, कितने दिनों में दोस्तों ये पौधे बड़े होकर निराई गुड़ाई योग्य हो जाते हैं, तथा कौन कौन से यंत्रों से इनका निराई गुड़ाई करनी चाहिए, कब इन पौधों को खाद जैसे यूरिया आदि की आवश्यकता होती है, वह कितनी बार ये प्रक्रिया यूरिया वाली दोहरानी चाहिए, कितनी इनको वर्षा चाहिए, क्योंकि दोस्तों कम वर्षा होने पर पौधे मुरझा जाते हैं जिसके कारण इनका विकास नहीं हो पाता है, और अधिक वर्षा होने से इनके वायुरंध्रों में अधिक पानी भर जाता है जिसके कारण भी पौधे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही कौन कौन से कीट व रोग इन फसलों पर दिखते हैं, वह कौन कौन से कीटनाशक दवाइयों से हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं व फसलों को रोग मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम देख सकते हैं कि कब ये फसल पकने लगती है, और पकते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कब इनके उचित समय पर कटाई करें, कैसे करें, और अंत में किन मशीनों के द्वारा हम चारे दान को अलग अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सभी प्रैक्टिकल आप इस समय वर्षा ऋतु यानी खरीफ की फसल पर कर सकते हैं, और अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो कभी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।